समझ गया कौन मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। कैकरोट, तुम इस प्लेनेट पर इतने समय से हो कि अपनी पहचान भूल चुके हो। मुझे सब याद है और मुझे तुम वो कहना बंद करो। क्या या जो भी कह रहे हो, मेरा नाम गोकू है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। मोहन पीछे जाओ। हे, मुझे बताओ क्या बचपन में तुम्हारे सिर पर कोई गहरी चोट लगी थी? क्या सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने पूछा क्या बचपन में तुम्हारे सिर पर कोई गहरी चोट लगी थी? हाँ, लेकिन तभी मैं बहुत ज्यादा छोटा था, इसलिए मुझे सब कुछ याद नहीं। अच्छा, तो यही वजह है। किसकी वजह? तुम कहना क्या चाहते हो? गोकू, तुम्हारे दादा ने मुझे बहुत पहले एक बात बताई थी जो तुम्हें भी पता होनी चाहिए। काफी पुरानी बात है। तुम्हारे दादा गुहान जंगल से गुजर रहे थे और तभी उन्हें आसमान से कोई अजीब सी चीज गिरती हुई दिखाई दी। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो उन्हें वहाँ एक पूंछ वाला बच्चा मिला जो एक पॉड में बंद था। गुहान उस बच्चे को अपने घर ले गए और उसे अपना मानकर पालने लगे, लेकिन वो बच्चा बहुत ही गुस्से वाला और हिंसक था। गुहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर एक दिन एक भयानक हादसा हो गया। वो बच्चा एक गहरी खाई में गिरा और उसके सिर पर चोट आई। चोट बहुत ज्यादा गहरी थी, लेकिन किसी तरह वो बच्चा बच गया। फिर उस दिन के बाद वो बच्चा हिंसक नहीं रहा, वो एक खुश रहने वाला प्यारा सा बच्चा बन गया। और वो बच्चा मैं हूँ, है ना? हाँ। अगर ये सच भी है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप ये कह रहे हैं कि गोकू और उस एलियन में कोई रिश्ता है? ये कैसे हो सकता है? हाँ, अब वक्त है सब साफ बताने का। सबसे पहले कौन हो तुम? तो शुरू से शुरू करें। सच ये है कि तुम इस दुनिया से नहीं हो कैकरोट। तुम एक दूर के प्लेनेट वजीटा पे पैदा हुए, सेयन प्रजाति का घर, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा। तुम हम में से एक हो। और दूसरे सवाल का जवाब, मेरा नाम रैडिट है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। सच में गोकू का कोई भाई भी है? ये जरूर किसी तरह का मजाक है। अगर है भी तो हंसी नहीं आई। हाँ, लेकिन अगर हम मान लें कि गोकू एलियन है तो वो यहाँ क्या कर रहा है? समझना इतना मुश्किल नहीं है। कैकरोट को पैदा होने के बाद इस प्लेनेट पर इसलिए भेजा गया ताकि वो यहाँ के इंसानों को खत्म कर दे। क्या? हम सेयंस को योद्धा होने पर गर्व है, लेकिन हम बिजनेसमैन भी हैं। हम ब्रह्मांड में उन प्लेनेट्स को ढूंढते हैं जिनका एनवायरनमेंट रहने लायक हो, फिर अपनी ताकत से हम वहाँ के मूल निवासियों को खत्म कर देते हैं। खाली हो जाने पर प्लेनेट को अच्छी कीमत देने वाले को बेच देते हैं। ऐसे प्लेनेट्स जहाँ के निवासियों का पावर लेवल ज्यादा होता है वहाँ कब्जा करने के लिए बालिक सेयंस को भेजते हैं, पर पृथ्वी जैसे प्लेनेट्स जहाँ के निवासी कमजोर होते हैं वहाँ हम हमारे बच्चे भेजते हैं। इसलिए तुम्हें यहाँ भेजा गया कैकरोट। तुम्हारे जैसे को भी यहाँ के इंसानों का नामो निशान मिटाने के लिए एक या दो साल बहुत थे। तुम ये काम आसानी से कर लेते अगर तुम्हारी याददाश्त आ जाती, खासकर जबकि यहाँ के मून का आकार इतना बड़ा है। हे, आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो? मून का इससे क्या लेना देना है? बेवकूफ मत बनो, तुम्हें पता है तुमने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी है। फुल मून होने पर एक सेयन अपनी असली पावर जगा सकता है। शायद मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये क्या? कैकरोट, तुम्हारी पूछ। क्या कहा तुमने? तुम्हारी पूछ कहाँ गई? वो तो बहुत पहले कट गई थी, क्या फर्क पड़ता है? बेवकूफ कहीं के, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? इसीलिए तुम इतनी आसानी से इन कमजोर इंसानों के साथ घुल मिल पाए हो। अब बस भी करो। अगर ये सब सच भी है कि मैं किसी दूसरे प्लेनेट का एलियन हूँ या फिर ये कि तुम सच में मेरे बड़े भाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बुरी चीजें करने वाले को मैं अपना भाई नहीं मानता। मेरा नाम गोकू है और यही मेरा घर है, और तुम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सही कहा गोकू। अब तो तुमने सुन लिया ना, उसका बीता कल कुछ भी हो, गोकू अब हम में से एक है। सच कहूं तो वो हम सब में से बेहतर इंसान है। उसने पहले भी पूरी दुनिया को बचाया है, मुझे नहीं लगता कोई एलियन योद्धा ये करेगा। क्या लगता है तुम सबके चिल्लाने से मैं यहाँ से चला जाऊंगा? हम भले ही शक्तिशाली हैं, लेकिन हम सेयंस बहुत कम बचे हैं। हमारी लगभग पूरी प्रजाति खत्म हो गई जब एक बड़ा मीटियोर हमारे प्लेनेट वजीटा से आ टकराया। वहाँ कोई जिंदा नहीं बचा, सबके सब राख हो गए। उसमें हमारे माता पिता भी शामिल थे कैकरोट। तुम्हें गिनकर ब्रह्मांड में अब सिर्फ चार योद्धा बचे हैं जो सेयन पीढ़ी के हैं। जब वो मीटियोर टकराया तब एक और सेयन के साथ मिशन पर गया हुआ था, तो हम बच गए। तीसरा सेयन भी बचा था जिसे दूर के एक प्लेनेट पर कब्जा करने के लिए भेजा गया था तुम्हारी तरह। कुछ समय पहले हमें एक ऐसा प्लेनेट मिला जिसकी हमें अच्छी कीमत मिल सकती है। बस एक छोटी सी परेशानी है, हम तीनों मिलकर भी लड़े तो भी जीतना आसान नहीं होगा। और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ मेरे बचपन में खोए हुए भाई। तुम्हारा पावर लेवल कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम चारों मिलकर साथ लड़े तो काम बन जाएगा। मुझसे दूर रहो, हट जाओ। कैकरोट, आंखें खोलो, सच्चाई को देखो, तुम इसी के लिए बने हो। बकवास बंद करो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस दुनिया के सभी लोगों को मारने से पहले मैं खुद मरना पसंद करूंगा। सच में? वैसे मेरे दिमाग में एक बात घूम रही थी, क्या वो तुम्हारा बेटा है, उस लड़की के पीछे छिपा हुआ? नहीं, वो नहीं है। मुझसे झूठ बोलोगे? वो बच्चा एक सेयन है, तुम ये बात छिपा नहीं सकते। मुझे उसकी पूंछ दिख रही है। अगर वो है भी तो क्या? मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा था, पर शायद तुम उसकी भलाई नहीं चाहते, तो मैं अब उसे अपने साथ ले जाऊंगा। रुक जाओ, मेरे बेटे की तरफ एक कदम भी मत बढ़ाना, उससे दूर रहो। तो
तुम कहाँ चले? तो जैसा कि मैंने कहा था, अब ये मेरे साथ जाएगा। अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो वही करो जो बड़े भाई ने कहा है। हम भाई हैं, इसलिए मैं तुम्हें सोचने के लिए 24 घंटे दूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर अपना बेटा प्यारा है तो मेरी बात मान लेना, और हाँ, तुम्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी। लेकिन कैसे? और इसके लिए मेरे पास तरीका है। तुम कल इसी समय तक 100 इंसानों को मौत के घाट उतारोगे। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो थोड़े और मार देना, उनकी लाशें वहाँ बीच पर रख देना। तो देखते हैं तुम अपने बेटे के लिए क्या चुनते हो, क्या करो। और ज्यादा फिक्र मत करना, अपने भतीजे को बिना वजह नहीं मारूंगा। अगर तुम्हें ध्यान से सुना ना हो तो एक बार फिर दोहराता हूँ। अगर तुम्हें अपना बेटा वापस चाहिए तो 24 घंटों में मेरे आने से पहले 100 इंसानों को मार देना। अगर ऐसा किया तो दोबारा सेयन योद्धाओं का हिस्सा बन सकोगे। अगर नहीं किया, यानी मैं यहाँ आया और मुझे 100 लाशें नहीं दिखी, तो तुम्हारा बेटा गया। कायर कहीं के, वो एक बच्चा है, उसे इसमें मत घसीटो। वो मासूम है। और वैसे भी वो ये शर्त नहीं मानेगा। तुम कुछ भी कर लो, गोकू कभी किसी को नहीं मारेगा। ओ, ये बात है। अगर वो अपने बच्चे को बचाना नहीं चाहता तो मैं सभी मार देता हूँ और उसे कोई बुरा काम नहीं करना पड़ेगा। अगर ये नहीं माना, फिर भी तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। इस प्लेनेट के हर जीव को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। कैकरोट साथ दे या ना दे, जैसे ही हमारा मिशन खत्म हो जाएगा, हम पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगे। क्या सच में? और नहीं तो क्या, बस हम तीनों को करोड़ों इंसानों का सामना करना पड़ेगा। फिर भी हम ये काम एक महीने में पूरा कर ही लेंगे। तुम समझ गए ना कैकरोट? चाहे जितनी कोशिश कर लो, पर इससे बचना है तो तुम्हें सेल्स का साथ देना ही होगा। मुझे मेरा बेटा वापस दो। जब मैं कल तुम्हारा फैसला सुनने आऊंगा, मुझे सिर्फ एक ही चीज सुननी है। हाँ, मुझसे लड़ना मत अपने बच्चे के लिए, क्योंकि तुम्हारा पावर लेवल किसी सेन के सामने कुछ नहीं है, और अपने बड़े भाई के सामने तुम कुछ नहीं हो। मुझे कल का इंतजार रहेगा कैकरोट, फिर मिलेंगे। सॉरी, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। निम्बस! गोकू, कुछ करने से पहले एक बार सोच लो। रुको, ऐसी हालत में नहीं लड़ सकते, तुम्हें चोट लगी है। हाँ, पता है, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सोचो, कोई रास्ता तो होगा। यकीन नहीं होता, अब जाकर पता चल रहा है कि तुम्हारा एक भाई भी है। जानकर दुख हुआ कि वो इतना बुरा है। तो अब क्या करेंगे? हम ऐसे शक्तिशाली दुश्मन का सामना कैसे करेंगे? उसकी पूंछ। समझ गया, वही उसकी कमजोरी है। अगर किसी तरह मैं उसकी पूंछ पकड़ लूं, तो उसकी पावर कम कर सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन ये करोगे कैसे? मतलब क्या तुम उसके इतने करीब पहुंच सकते हो कि उसकी पूंछ पकड़ लो? बेकार है, तुम नहीं जीत सकते। शायद तुम अब तक समझे नहीं, उसका पावर लेवल बिल्कुल अद्भुत है, हमसे बहुत ही ज्यादा। तुम उसे अकेले नहीं हरा पाओगे, लेकिन अगर हम सब साथ हो जाएं, अपनी ताकत मिलाकर उसका सामना करें, तब शायद उम्मीद है। रुको जरा, तुम इतने दयालु तो नहीं हो, तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? देखो, मुझे गलत मत समझना, इसमें मेरा फायदा है। मुझे तुम्हारी मदद करके तुम्हें हीरो बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना ही मुझे तुम्हारे बेटे की कोई परवाह है। मैं बस ये नहीं चाहता कि वो एलियन राक्षस मुझे इस दुनिया पर राज करने से रोके। तो मेरा ऑफर ये है, मैं उस सेन योद्धा को हराने तक तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन जैसे ही हम उसको हरा देते हैं, मैं तुम्हें कीड़े की तरह मसल दूंगा और इस दुनिया पर राज करने का अपना प्लान पूरा करूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं होने नहीं दूंगा। फिर भी साथ मिलकर लड़ने का आइडिया बुरा नहीं है, सुनने में अजीब है, लेकिन ये सच में काम कर सकता है। तो फैसला हो गया, हम दोनों उसका सामना करेंगे। गोकू का साथी बनना, उम्मीद है इस बात की वजह से मुझे उल्टी नहीं होगी। बुलमा, मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारा ड्रैगन रेडार चाहिए। Hey, Piccolo, क्या लगता है तुम मेरे फ्लाइंग निंबस की बराबरी कर पाओगे? ये बचकाना उड़ता बादल तुम पर सही लगता है, लेकिन मेरे उड़ने का तरीका थोड़ा एडवांस है। ठीक है, अजीब है, मेरा स्काउटर मुझे वार्निंग दे रहा है। कोई 710 पावर लेवल है, वो भी नजदीक। इस बच्चे से आ रही है, लगता है ये खराब हो गया है। इसने तो मुझे डरा ही दिया था। हम पहुंच ही गए हैं, मैं ऊपर छत पर हमला करूंगा। ये काम
हमला करना होगा। क्या? क्योंकि उसके पास एक सेंसिंग डिवाइस है जो उसे बता देता है उसके दुश्मन कहाँ हैं और उनके पावर लेवल की जानकारी भी देता है। इसका मतलब उसे पहले से पता होगा हम आ रहे हैं? हाँ, उसे पक्का पता होगा। ओके, फिर तो लगता नहीं कि सामने से हमला करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता हो। फिर से वही पहले वाली रीडिंग। बेकार स्काउटर, दो और रीडिंग्स, वो भी सीधे यहाँ आ रहे हैं। हाँ, काफी तेज है। उनके पावर लेवल्स है 322 और 334। उस ज्यादा वाले की रीडिंग बिल्कुल कैकरोच जितनी है, लेकिन क्या वो वही है? वो आएगा? नहीं, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि ये सोचे कि वो मुझे हरा पाएगा। और वैसे भी वो मुझे आसानी से ढूंढ नहीं सकता। बहुत हो गया, ये स्काउटर खराब हो चुका है। नामुमकिन, वो आ चुका है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसे तुम्हें क्या लेना देना? सही कहा। ठीक है, तो मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम दोनों उल्लू यहाँ क्या करने आए हो? क्यों समझे नहीं, हम मेरे बेटे को वापस लेने आए हैं। जरा मुझे फिर से समझाओ, तुम आखिरी जिंदा सेंस में से एक हो और तुम अपने प्रजाति का साथ नहीं दोगे? हाँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम अपने बड़े भाई के खिलाफ जा रहे हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। कैकरोट, मुझे लग रहा था तुम्हें थोड़ी तो अकल बची होगी। चुप करो, मुझे तुम्हारे भाई बंधु वाले डायलॉग में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका पावर लेवल अचानक बढ़कर 408 हो गया है। अच्छा, तो तुम अभी अपने ट्रेनिंग बेल्ट पहने हुए हो? हाँ, पिकलो। इसके साथ लड़ने में मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा। कैकरोट का पावर लेवल 416 तक पहुंच गया है।